भाई साहब, आपने लभेरा तो देखा होगा। लभेरा, आज हम आप लोगों को बताएंगे लभेरा के बारे में। आप लोग के यहाँ भी होता होगा लभेरा। आप लोग के यहाँ होता हो तो आप लोग हमारे को कमेंट में लिखिएगा। ये ऐसा इसका पेड़ होता है, ये देखो बहुत सारा लंबा सा, ये देखो आप लोग देख रहे, ये है लभेरा। अब हम आप लोगों को बताएंगे जो लभेरा का अचार भी रख सकते हैं। जो इसमें गोल गोल होते हैं उसका अचार रखा जाता है, उसको आप लोग खा सकते हैं अचार को। ये आप लोगों को बताएंगे, ये है लभेरा, ये देखो देख रहे हैं। ये लभेरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में भी काम आता है, आप लोगों को बता दें। ये देखो ये लौकिया लटक रही है, ये देखो दिख रहा है, ये लौकिया भी लटक रही है। इस पे लौकिया की बेल पौड़ी हुई है, आप लोगों को बता दूं। ये देखो ये बहुत बड़ा पेड़ होता है लभेरा का, ये देखो ये लभेरा है, ये देखो बहुत बड़ा पेड़ होता है, आप लोगों को बता दूं। ये देखो ये आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही लभेरा होता है, ये देखो। और भी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों में भी काम आता है, आप लोग को बता दूं। लेकिन अचार इसके रख के बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो, जिससे हर आपको जड़ी बूटियों के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। और जो भी आपके यहाँ पेड़ होते हैं उनकी आप लोग फ़ोटो खींच के डालिएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे ये किसका है ये किसका नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को जानकारी मिलती रहे। तो हर एक जो पेड़ पौधे होते हैं, आप लोग को बता दूं, वो कोई भी नाजायज नहीं है, ये सब जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियां अलग अलग दवा में काम करती हैं और आप लोगों को कोई भी जड़ी बूटी दिखाई देती है तो आप लोग हमारे कमेंट में लिखिएगा कि इसकी आप वीडियो बनाइए तो हम आप लोगों को वीडियो बना के दिखाएंगे। ये देखो ये आप लोगों को जो दिखा रहे हैं ये लभेरा दिखा रहे हैं, ये लभेरा, इसमें छोटी छोटी गुंडी सी लगती है, इतनी इतनी बड़ी, ये देखो आपको हम बता दें, इतनी इतनी बड़ी गोल गोल होती है, इसी में लभेरा निकलता है। और लभेरा की छाल भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये लकड़ी है, जड़ भी है, पत्तियाँ भी हैं, कोई नाजायज नहीं है, सब आयुर्वेदिक दवाओं में काम करने वाली हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तो आप लोग हम आप लोगों को बताएंगे कि हम अलग अलग जो जड़ी बूटी हैं उनको हम लेके आएंगे, ठीक है। और आयुर्वेदिक हैं वो भी आप लोगों को हम बता दें कि जो लक्षण हैं हर एक मर्ज के वो डले हुए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। और कोई भी मर्ज है तो आप लोग लक्षण उसके जानना चाह रहे हैं तो आप लोग लिखिएगा कि हमको इस चीज़ के लक्षण आप बताइए तो हम उस चीज़ के आप लोगों को लक्षण बताएंगे। और आज हमने आप लोगों को बताया है लभेरा के बारे में, आप लोग के यहाँ भी होता होगा, ये देखो ये आप लोग को हमने बताया, यहाँ से भी आपको दिखा सकते हैं, ये देखो ऐसे इसके पत्ते होते हैं चौड़े चौड़े, ये देखो ये देखो ये आप लोग को बता दूं, ये देखो होते हैं, आपके यहाँ भी होता होगा लभेरा। तो आज हमने लभेरा के बारे में आप लोग को बताया है। आप लोग को आगे किसी भी पेड़ पौधे की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा कि भाई साहब इसकी आप लोग हमारे को जानकारी चाहिए तो हम आप लोगों को बता देंगे।
कि ये कैसा पेड़ होता है, कैसी इसकी जड़ होती है, वो आप लोगों को हम बताएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो आगे हम आप लोगों को वीडियो लेके आते रहेंगे। दोस्तों, आज हमने आप लोगों को बताया लवेरा के बारे में, अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।